Hello friends, welcome back to my channel Hungry Life of Ajitpaul. वैसे तो I am a full time professional and I'm always engaged, you can say 10 hours daily. But ये channel मैं सिर्फ अपने passion के लिए, अपने शौक के लिए, थोड़ा सा मुझे खाने का शौक है. I'm a big foodie. तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा करता हूँ, कुछ ना कुछ नया देखता हूँ तो उसको cover करता हूँ. Just for the sake of my passion. वैसे तो मुझे मैंने बहुत से restaurants में high quality hotels में खाना खाया हुआ है, but still I recommend कि home cooked food is much better than any other food. कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना तो it is one of the best. उसके मुकाबले कोई खाना नहीं हो सकता. तो इस चीज़ को लेकर हम लोग, इस थीम को लेकर आज हम लोग चलेंगे. और आज हमको इनवाइट किया है शानली आंटी. सुना है कि उनका खाना बहुत टेस्टी होता है, काफ़ी अच्छा बनाती हैं, काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग उनसे सीख चुके हैं खाना पकाना. कुछ ना कुछ टिप्स लोग लेते रहते हैं. तो मैंने सुना है और स्पेशली उन्होंने मुझे इन्वाइट भी किया आज, तो कि आप मेरा मेरे किचन कवर करें और मैं क्या बनाती हूँ उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें आप. तो ठीक है, चलो ओके, आज मैं फ्री भी हूँ, चलो चलते हैं और उनकी किचन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. वो अपने आप ही बताएंगी क्या क्या कैसे कैसे वो बनाएंगी और अपने आप ही वो उस चीज़ को बताती जाएंगी. बाकी मैं इसको खाकर टेस्ट करके फिर आपको बताऊँगा कि इसका फ्लेवर कैसा है. तो प्लीज़ कम फॉलो मी. Come on, come on. Wiggle, wiggle. Like. आज हम लोग चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी सीखेंगे. चिकन कोरमा बहुत तरीके से बनाया जाता है, बट यूपी में, हमारे साइड में, लखनऊ के साइड में चिकन कोरमा की जो विधि है, जो दिल्ली में भी लोग फॉलो करते हैं, वो इस प्रकार है. मैंने पहले प्याज को काट के लंबाई में काट के उसको अभी फ्राई कर रही हूँ. आप देख सकते हैं प्याज मेरी लगभग फ्राई हो चुकी है. लगभग प्याज मेरी फ्राई हो चुकी है और इसको फिर हम फ्राई होने के बाद ठंडा करेंगे. ये ठंडा होने के बाद फिर हम इसको या तो दरदरा मिक्सी में पीसेंगे या इसको हम क्रश भी कर सकते हैं. आप चाहें तो इसे मिक्सी में महीन भी, काफ़ी बारीक भी पीस सकते हैं. तो यहाँ मेरी प्याज फ्राई हो चुकी है, हम इसे आंच पे से उतार लेंगे क्योंकि ज़्यादा देर रखेंगे तो. आप ये देखिए मेरी प्याज इस समय फ्राई हो गई है और मैंने इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये ठंडी हो सके और हम इसे ठंडा होने के बाद महीन पीस लेंगे जो हमारे कोरमे में आगे यूज होगी. ये जो हमारा स्पेशल मिट्टी का बर्तन है इसमें आज हम चिकन कोरमा को बनाएंगे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो है स्लो कुकिंग का प्रोसेस होता है जिससे हमारा कोरमा जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है. तो इस ये जो मिट्टी का बर्तन है आपको हर जगह मिल सकता है. आप इस समय आप जाएंगे तो मार्केट में स्पेशली दिवाली के टाइम हर जगह अवेलेबल होता है. मैं जो हूँ ये मैं केरला से लाई थी क्योंकि वहाँ पर आम इस्तेमाल किया जाता है सब्ज़ी और नॉनवेज बनाने के लिए. तो अब मैं इसमें देसी घी डालूंगी. आप देसी घी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपका
मटन है, आधा किलो है या एक किलो है या 250 ग्राम है, उसके हिसाब से आप इसकी मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। और आप चाहें तो इसको आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, सरसों का तेल और देसी घी दोनों मिलाकर भी बना सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम ऑफ कुकिंग यूज़ करेंगे। तो हमने इसमें देसी घी डाल दिया है। वाओ, बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है देसी घी। अब देखिए ये गर्म हो रहा है देसी घी, स्लो आंच में कर दिया है, धीरे धीरे। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी चिकन जो मैंने ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा है। आप चाहें तो चिकन को अगर लाए हैं तो तुरंत भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, एक घंटे के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या डाला है आपने? मैंने इसके अंदर दही लिया, ये एक किलो से थोड़ा 20 ग्राम ज़्यादा चिकन है, उसमें मैंने 250 ग्राम दही डाला है और 10 काजू, और उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और काजू पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट और जो भी हमारे लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला है वो सारा मैंने इसमें, धनिया पाउडर, सब मैरिनेट करके एक एक चम्मच डाल के मैंने दही के साथ और काजू पेस्ट के साथ मैंने इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट अपने फ्रिज में रखा था। अब हम इसको हिला लेंगे कुकिंग प्रोसेस से पहले। इसका मतलब मैरिनेशन आपने ओवरनाइट किया है पूरा? ओवरनाइट मैरिनेशन करने से चिकन जो है उसके अंदर मसाला चला जाता है और ये काफ़ी टेंडर हो जाता है खाने में, क्योंकि चिकन के फाइबर्स जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो उसको टेंडर करने के लिए हमें इसे ओवरनाइट मैरिनेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कोशिश करें तो ओवरनाइट में ज़्यादा अच्छा उसका मैरिनेशन होगा और अच्छी उसकी सॉफ्टनेस हो जाएगी चिकन की। आगे देखिए, ये अब हमारा देसी घी गर्म हो चुका है, इसमें हम खड़े हुए मसाले डालेंगे। मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, कम से कम 5 मैंने हरी इलायची ली हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा लिया है, कम से कम 10-11 मैंने लौंग के पीसेस लिए हैं, और 1 तेज़पत्ता मैं डाल रही हूँ। ये पूरा डाल दिया गरम मसाला ने। खड़ा गरम मसाले का इस्तेमाल मैंने इसमें स्वाद लाने के लिए किया है, जो हम हर कोरमे में डालते हैं। अभी देखिए तेल, घी गरम हो चुका पूरी तरीके से, और मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन के पीसेस धीरे धीरे करके डालूंगी। आपको इसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं तेल उछल के आपके ऊपर ना आए। देखिए अब धीरे धीरे मैं इसमें पीसेस डाल रही हूँ जो मैंने मैरिनेट किए थे चिकन के पीसेस, जो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया। अब देखिए ऑलमोस्ट सारा चिकन मैंने डाल लिया है। जो मेरे इस मिट्टी के बर्तन में धीरे धीरे बनेगा और स्लो कुकिंग के प्रोसेस से इसमें कुकिंग होगी, जो नॉनवेज के लिए काफ़ी, स्वाद बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि पुराने समय में लोग चूल्हे या मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाते थे, इसीलिए उनमें बहुत स्वाद होता था। आज भी
अगर हम रोटियां चूल्हे में बनाएं तो उनमें काफी स्वाद होता है। तो आपने देखा कि मैंने पूरा चिकन पूरा डाल दिया है। अब मैं इसको पूरे से हिला रही हूँ, हिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा मिट्टी का बर्तन काफी बड़ा है, जो जिसने पूरा 1 किलो चिकन आराम से आ गया है। आप चाहें तो इसको किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं। चलिए, मिक्सिंग प्रोसेस चालू है। देखिए, आप दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये मिट्टी का बर्तन है जो काफ़ी एंशिएंट टाइम के लोग यूज़ करते थे। अभी फ़िलहाल ये काफ़ी फिर से रेकनिंग में आ चुका है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करने लगे हैं क्योंकि इसमें फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये चिकन कोरमा अगर इसमें बनेगा तो उसका फ्लेवर अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और जितने मसाले डाले हुए हैं वो बहुत उसका बेस्ट से बेस्ट, उसका जो जितना भी एरोमा है, फ्रेग्रेंस है, सब निकल के बाहर आएगी। अब ये देखिए, स्लो आंच में ये चिकन पक रहा है। वाओ, स्लो आंच में अगर कोई भी खाना पकता है तो उसमें अपने आप में एक अलग से फ्लेवर आता है, बेस्ट फ्लेवर आता है, क्योंकि धीरे 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 वो ये देखिए स्लो आंच है और धीरे धीरे ये पक रहा है, मसाला भुन रहा है धीरे धीरे। यहाँ देखिए बगल में ये भुनी हुई प्याज रखी हुई है जो कि हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, और इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और यही क्वालिटी है इस रेसिपी की। तो आप देख सकते हैं कि मेरा चिकन जो है वो धीरे धीरे अब बनना स्टार्ट हो गया है, और ये धीरे धीरे कम से कम इसको आधा घंटा लगेगा अभी सॉफ्ट होने में, और आप चाहें तो इसको ढाँक सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको अभी नहीं ढाँक रही हूँ क्योंकि ढाँकने से गलने का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और क्योंकि मैंने इसको मैरिनेट किया है तो मैं अभी इसको नहीं ढाँकूँगी। जब मैं देखूँगी कि मुझे ज़रूरत है तब मैं इसको थोड़ी देर में ढाँकूँगी, अगर इस ये गलेगा नहीं या मुझे लगता है कि और इसको गलान सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी पकना स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, स्लो आंच में धीरे धीरे इसमें हल्के हल्के से उबाल आने लगा है, यानी कि मसाला अच्छी तरीके से ये भुन रहा है। और देखिए, क्योंकि ये देसी घी में बन रहा है ये चिकन, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा हीट दे नहीं सकते हैं, और क्योंकि मीट जल्दी ये गल सकता है, क्योंकि ओवरनाइट ये टेंडर कर रखा है, इसको मैरिनेट कर रखा ओवरनाइट, तो स्लो आंच में पक रहा है। और आप देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है। वाओ, मेरा तो मुंह में अभी से पानी आने लगा, सो यमी इज लुकिंग। वाओ, हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा चिकन भुनने की स्टेट पे आ रहा है, रोस्ट होने की, और ये काफ़ी कुछ अच्छा कलर और शेप इसका आ चुका है कोरमे के तरह जैसे आप देख रहे हैं। इसको अब मैं थोड़ा ढाँकूँगी, कवर करके पकाऊँगी ताकि ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। तो अब मैं इसको अपनी प्लेट से, इसको स्टील की प्लेट है उससे मैं कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन की प्लेट है या कुछ है तो आप उससे कवर कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने इसको अब कवर कर दिया है, और इसको मैं धीमी आंच पे
पकने दूंगी ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और मेल्ट करे माउथ में अपनी टेस्ट के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले प्याज जो लंबी लंबी काटी थी उसको फ्राई किया था। अब मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी, जो कोरमे में हमेशा इस्तेमाल की जाती है। तो मैं अब इसको मिक्सी के जार में डाल रही हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा दरदरा पीसूं, जो एक बहुत ही सुंदर कलर देगा आपके कोरमे को और स्वाद भी इसका बढ़ाएगा। देख सकते हैं कि मैंने मिक्सी में इसको दरदरा पीस लिया है। वो इस तरह का दिखेगा, थोड़ा मोटा, जो बिल्कुल बारीक नहीं किया है, थोड़ा मैंने इसको दरदरा रखा है। और इस पेस्ट को अब मैं अपने कोरमे में डालूंगी जब मेरा कोरमा भुनने की स्थिति पे आ जाएगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मेरा कोरमा काफ़ी हद तक भुन चुका है और इसमें कलर आना शुरू हो गया है। मैं इसमें अब ब्राउन प्याज का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए, लगभग 2 चम्मच के करीब ये ब्राउन पेस्ट है जो मैंने इसमें डाला। इससे क्या फ़ायदा होता है डालने से? इससे एक तो इसका कलर अच्छा आता है, दूसरा ये इसका स्वाद भी बढ़ाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ बाकी सारे चिकन के पीसेस के साथ। जैसे ही मैं ब्राउन पेस्ट डाला वैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर। काफ़ी सुंदर कलर आ गया है और देखने में ही स्वादिष्ट दिख रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा देखने में। जो दिखने में सुंदर, जो आँखों को भाए, वो खाने में भी स्वादिष्ट होता है। आप देख सकते हैं इसका कलर, जो बहुत ही सुंदर कोरमे का कलर आ गया है। जैसा कि देख सकते हैं आप, मेरा कोरमा बन के रेडी है खाने के लिए। बहुत ही सुंदर कलर आया है और स्वाद में भी बहुत अच्छा होगा। और आप भी अपने घर में बनाइए और लोगों को बुलाकर खिलाइए। धनिया वगैरह काफ़ी डाल दिया इसमें, इससे और अच्छा फ्लेवर आएगा मेरे घर। हाँ जी, धनिया का भी इस्तेमाल किया है, हालांकि कुछ लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ इसमें लाल मिर्च डालते हैं और हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। पर मैंने अपने कोरमे में जो अपना मेरे घर के तरीका था, मैंने इस कोरमे को उस तरीके से बनाया है जो आपके सामने दिखाया, मेरे घर का कोरमे बनाने का तरीका। मैंने इसमें हल्दी भी डाली है 1 चम्मच, इसमें मैंने 2 चम्मच सूखा धनिया डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च भी डाली है, 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, जिसमें से 1 चम्मच जो था मैंने मसाले के साथ मैरिनेट किया, और 1 पकने के बाद मैंने इसके ऊपर से छिड़काव किया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रेसिपी चिकन कोरमा स्पेशल होममेड? इजी है, आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं करना है, सिंपल है, घर पे बनाएं और इसको एंजॉय करें। और सबसे ज़रूरी काम है लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो ये मेरे को मोटिवेशन देता है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे से अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँगा। और थैंकिंग यू सो मच, एंड दिस इज़ अजीत पॉल साइनिंग आउट।